विधानसभा चुनाव के पहले दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है, जहां राजस्थान में कांग्रेस के 3 सीनियर नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। बता दें कि जयपुर की पूर्व मेयर और जयपुर से कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुकी ज्योति खंडेलवाल, तारानगर से पूर्व विधायक और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे चंद नमल बैद के बेटे चंद्रशेखर बैद और पूर्व विधायक नंदलाल पुनिया बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं रिटायर्ड आईपीएस केसर सिंह शेखावत और भीम सिंह बीका राजस्थान धनोहर प्रोन्नति परिषद के उपाध्यक्ष सांवरमल पहिया और मंडावा से निर्दलीय उम्मीदवार रहे डॉक्टर हरि सिंह ने भी बीजेपी ज्वाइन की। इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, जब इनसे बात की तो उन्होंने कहा हम कांग्रेस का हिस्सा रहे पर अपमान की राजनीति के चलते, झूठ की राजनीति के चलते और जिस प्रकार की आभासी सरकार थी और सरकार की कलाई जब खुलने लगी, भ्रष्टाचार की बत्ती जब जलती हुई पूरे राजस्थान में 5 साल तक देखा और अब जब भ्रष्टाचार की कलाई खुल रही है तो पूरी कांग्रेस में हलचल है।